तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज मैं स्वीट्स की रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है परवल की मिठाई, और ये बहुत ही सिंपल वे में आपको बनाना सिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरी देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको इसका प्रोसेस पता चल सके कि ये कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये मैंने 1/2 kg परवल लिया है और इसको अच्छे से धो के इसका छिलका छील लिया है। ये फ्रेंड्स, इसको बीच से कट कर लीजिए। ध्यान से कट करिएगा फ्रेंड्स, आपका परवल पूरा कट ना हो जाए। और इसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर का बीज निकाल लीजिएगा। बीज आप आराम से निकालिए, और चाहे तो आप स्पून की हेल्प ले सकते हैं, मैं नाइफ से निकाल रहा हूँ। और इसी तरह से फ्रेंड्स, हम अपने सारे बीज को निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बीज इस तरह से निकालना है, और मेरे सारे परवल इस तरह से अंदर से खाली हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे परवल के बीज निकाल लिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक पैन ले लिया है, और उसमें मैंने 3 कप पानी डाला है। फ्रेंड्स, पानी आप इतना डालिएगा कि आपके परवल अच्छे से डूब जाएं। पानी में देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आने लगा है। तो अपने फ्रेंड्स, सारे परवल को हम इसमें डाल देंगे, और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि हमारा फ्लेम हाई रहना चाहिए। इसको फ्रेंड्स, हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढक कर बॉयल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका लीड हटा दिया हूँ, और देखिए फ्रेंड्स, मेरे परवल का कलर भी चेंज हो गया है। और मैं गैस को ऑफ कर दूंगा, और आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसका सारा पानी छान लूंगा अच्छे से, और इसको भी 10 मिनट छोड़ दूंगा ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। अब हम एक दूसरा पैन ले लेंगे फ्रेंड्स, और उसमें 1 कप चीनी डालेंगे, और फ्रेंड्स 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप जितनी चीनी लोगे ना, उसकी 1/2 पानी लेना। ठीक फ्रेंड्स, मेरी चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें सारे परवल ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हल्का सा मिक्स करके, और इसको फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम बॉयल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बॉयल हो रहा है, और 5 मिनट भी पूरे हो गए हैं। अब इसका कलर भी आप देखिए, और चेंज भी हो गया है, और इसमें चाशनी भी खूब अच्छे से पी गई है मेरे परवलों में। फ्रेंड्स, 1 मिनट करीब और बॉयल हम कर लेंगे हाई फ्लेम पर, और फिर फ्रेंड्स हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तक फ्रेंड्स, मैं इलायची थोड़ी सी कूट लिया हूँ, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 कप मावा लिया है। ये मावा फ्रेंड्स मेरे घर का है बना हुआ, आप रेडीमेड भी ले सकते हो, और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें फ्रेंड्स, हम ऐड करेंगे अपना इलायची पाउडर, और फ्रेंड्स 1/2 कप पीसी हुई चीनी, और इसको भी फ्रेंड्स हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक सॉफ्ट डो टाइप का बना लेंगे। स्मॉल स्मॉल पेड़े बनाकर उसको ओवल शेप दे लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सब रेडी कर लिया है। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं अपने परवल को लेके इसमें मावा को भर लूँगा। जैसे फ्रेंड्स, मैं देखिए मैं भर रहा हूँ, आप इसी तरह से भरिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। और इसी तरह से देखिए सारे फ्रेंड्स, मैंने अपने परवल को भर लिए हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। मेरे अनदर चैनल का लिंक फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी जाके आप प्लीज़ विजिट करिए, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे ऑल।